हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पेंट में फ्लैग कैसे बनाया जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फ्लैग बनाना सीखते हैं। फ्लैग बनाने के लिए सबसे पहले हमको रेक्टेंगल लेना पड़ता है। रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और इसको बीच से पकड़ के जहाँ भी हमको अरेंज रखना होगा वहाँ पर रख सकते हैं। इसको बीच से पकड़ के तब तक रख सकते हैं जब तक ये सिलेक्ट है। जब तक ये सिलेक्शन है तब तक इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, एक जगह से इसको दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वही रेक्टेंगल एक बीच में ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर देखिए इसको बड़ा अगर हो जाता है, अगर सिलेक्शन है तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, चाहे एरो की से इसको ऊपर नीचा आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, एरो की से चाहे बीच में पकड़ करके ऊपर नीचा कर सकते हैं। तब तक जब तक ये सिलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन हट जाने के बाद ये ना आगे होगा ना पीछे होगा, कहीं नहीं जा पाएगा। इसलिए सिलेक्शन से पहले ही, जब तक सिलेक्शन है तब तक ही हमें आगे पीछे इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ओवल लेंगे और ओवल नहीं, रेक्टेंगल से ही पहले ये अथी बना लेते हैं, फ्लैग का जो खंभा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ओवल लेंगे। ओवल लेने के बाद नीचे बना देंगे प्लेस ताकि दिखने में अच्छा लगेगा। ये भी जब तक सिलेक्शन है तब तक इसको भी अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी हो अरेंज कर लिए। उसके बाद पेज छोटा कर लेते हैं ताकि देखने में सुविधा हो, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब क्या करना है, हमको लेना है ट्रेंगल। ट्रेंगल लेकर के उसके ऊपर कर देना है खंभा के ऊपर से ताकि और दिखने में अच्छा लगे। छोटा कर देंगे, एरो की से इसको फिट कर देंगे, एरो की से ऊपर जाएंगे और इसको क्या करेंगे, फिट कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। देखिए फिट हो गया। उसके बाद फिर हमको लेना है ओवल चक्र बनाने के लिए। फ्लैग का जो चक्र होता है उसके लिए ओवल लेंगे, फिर यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, बीच से पकड़ के नीचे ड्रॉ कर देंगे। देखिए ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, हमको साइड में क्लिक करना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद लाइन पर जाना है, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन लेकर के इसको चक्र बना देना है। देखिए लाइन खींचते समय शिफ्ट का प्रयोग करें, शिफ्ट के साथ अगर लाइन खींचेंगे तब क्या होगा, एकदम स्ट्रीट आएगा, सीधा आएगा लाइन। देखिए शिफ्ट के साथ करना है, ठीक है। और बड़ा हो जाए तो सिलेक्शन जब तक है उसी के अंदर में छोटा भी कर लेना है। छोटा हो गया, लाइन को पूरा करने के बाद चार लाइन इसमें दे सकते हैं। ऐसा साइज के हिसाब से आप कितना भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दे पा रहे हैं। इतना करने के बाद जिगजैग लाइन लेना है, कर्व लाइन जिसे बोला जाता है, और ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद इसके बीच से पकड़ करके, नीचे ड्रॉ करने के बाद बीच से पकड़ के इसको खींचना है यहीं से। जब तक सिलेक्शन है उसी के अंदर में देखिए खींच दिए। अब हमको कहाँ जाना है, अब फिल पे जाना है ताकि इसमें कलर फिल कर पाए। फिल ऑप्शन है ऊपर पेंसिल के बगल में रहता है फिल ऑप्शन, देखिए सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कलर में, कलर ले लेंगे, जो फ्लैग का कलर होता है वो कलर ले लेंगे, ड्रॉ कर देंगे, कलर फिल कर देंगे। देखिए अगर बॉर्डर पर कलर हो जाए तो कंट्रोल जेड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जाएंगे ऊपर वाला कलर लेंगे केसरी रंग, फिर उसमें फिल कर देंगे। और खंभा का एक कलर ले लेते हैं, खंभा का भी कलर इसमें फिल कर देंगे। देखिए ये मेरा फ्लैग बन करके तैयार हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो आपको मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कंप्यूटर सीखने में किसी को दिक्कत का सामना
ना करना पड़े। मेरे इस चैनल पे DCA का फुल कोर्स का वीडियो एक एक करके रोज़ आता जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।